फ्रेंड्स, आज हम हमारे इंटरव्यू पूछा गया एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने हमें स्टेट दी है और हमें उनके बेसिस पे सेल्स प्लान करने के लिए है, और स्टेट के पास उन्होंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके दे दी है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें सम इज फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने सम इज फॉर्मूला एंटर किया, मैंने सम रेंज जो कि सेल्स है उसे पूरा सिलेक्ट कर लिया, देन क्राइटेरिया रेंज जो कि स्टेट का नेम है मैंने पूरा स्टेट का नेम सिलेक्ट कर लिया है, और क्राइटेरिया जो कि स्टेट है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा है, क्योंकि हमारे डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि नॉट एप्लीकेबल रेफरेंस जैसी, हमें उसे एलिमिनेट करने के लिए फॉर्मूला में थोड़े से ऑल्टरेशन करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक कॉमा डाल के क्राइटेरिया रेंज में सिलेक्ट करना है सेल्स को, और उसके बाद अंडर कोट्स में ये वाले साइन के साथ, इस वाले साइन के साथ नॉट एप्लीकेबल लिखना है। तो फ्रेंड्स, इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि हमें इसको अपने क्राइटेरिया में इन्वॉल्व नहीं करना है। ये दो साइंस का मतलब होता है कि नॉट इंक्लूड। फिर हमें सेम सेल्स को इंक्लूड करना है और अंडर कोट्स में इस साइन के साथ रेफरेंस लिखना है। और फ्रेंड्स, इसको एंटर करने के बाद हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, उसके बाद हमें स्टेट का नेम ऑल्टर करना है, उसके बेसिस हमें सेल्स मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।